कसम अल्लाह की, हम मुसलमान कमजोर नहीं है, हम कमजोरी के साथ जीना नहीं पसंद करते। हम जो है जब तक जिंदा है फिर ऊंचा कर सिरा तान कर हम लोग जीना है। मैं जब तक हूँ आपकी आवाज बन के रहूंगा, लड़ता रहूंगा। असेंबली में जिस तरीके से जहर बीजेपी के लीडर्स उगल रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दूंगा, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। नासिर को वोट डाले तो बीजेपी जीतती, कांग्रेस को वोट डाले तो कांग्रेस जीतती, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? जब कांग्रेस को डाले तो कांग्रेस जीतती, तो नासिर उस्ताद को डाले तो भी नासिर उस्ताद जीतता। ऐसे नाजुक हालात में जो आगे और नाजुक हो सकते हैं। एनआरसी अभी रुका नहीं है, अभी समय है, कोविड की तरफ से रुका है, फिर लड़ाई बाकी। हिजाब पहनने से पाबंद करने की कोशिश की जा रही है और कानून भी ला दिया गया है, उसके बारे में लड़ रहे हैं, केस हो रहा है, लेकिन उसका एक बेहतर तरीका ये होता है कि असेंबली में इसके बारे में सवाल उठाया जाता। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। हम ये चाहते हैं आप लोगों के पास आने का, दुकानदार दुकान पहुंचने का, ये इत्तेफाक है कि असर का वक्त हो रहा था, हम लोग नमाज के लिए यहाँ पर आए और हमने सोचा कि आप लोगों से भी इस बार मुलाकात करके एक आपके सामने गुजारिश रखें कि नासिर हुसैन उस्ताद अब एक मजबूत लीडर हैं और उनके जैसी सलाहियत वाला पूरे हैदराबाद कर्नाटक में मौजूद नहीं है। आप इन्हें इस बार मौका दीजिए, पार्टियों के बारे में मत सोचिए, ये कौन सी पार्टी से हैं, वो कौन सी पार्टी से हैं, ये मामला नहीं है। इस बार हमारा तकाजा ये है कि हम एक मजबूत लीडर को दें ताकि हमारे मसाइल के बारे में असेंबली में बात हो सके। आज शरीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को हिजाब पहनने से पाबंद किया करने की कोशिश की जा रही है और कानून भी ला दिया गया है, उसके बारे में लड़ रहे हैं, केस हो रहा है, लेकिन उसका एक बेहतर तरीका ये होता है कि असेंबली में इसके बारे में सवाल उठाया जाता। हमारे MLAs मुस्लिम होने के बावजूद वहाँ पर पार्टियों की पाबंदी की वजह से बात नहीं किए। अगर नासिर हुसैन उस्ताद साहब जैसे लीडर वहाँ पर मौजूद रहते तो वो पार्टी के बात को बाद में रखते, पहले मिल्लत के मसाइल के बारे में बात करने से दो टुक आगे बढ़कर जो है वो बात करते। यही आपसे गुजारिश है कि इस बार इन्हें मौका दीजिए, आप लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका दीजिए, आप लोगों की खिदमत करने का मौका दीजिए और हमारी जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उसको हल करने के लिए एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है और वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब को अगर आप मौका देंगे तो वो इंशाल्लाह वो तमाम तर मसाइल को हल करने की काबिलियत रखते हैं। यही आपसे गुजारिश है। गैरेज पे डोर टू डोर, शॉप टू शॉप जा काफ़ी लोगों से मुलाकात हो चुकी है। मुझसे कबल अफजल साहब ने आपको हालात के बारे में बिल्कुल साफ तौर पर रखा है और यकीनन आप तमाम लोग पिछले 5 साल में क्या मामला चल रहे हैं इसके ऊपर भी आप लोग नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2 इलेक्शन लड़ा हूं, शिकस्त हुई है, उसके बावजूद हर 5 साल के इस 5 साल के हर मामले के अंदर आगे बढ़ के आपके लिए लड़ रहा हूं, हिम्मत नहीं हारा हूं, नाउम्मीद भी नहीं हुआ। आज इलेक्शन का डेट फाइनल नहीं हुआ, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आपकी दुकानों तक पहुंच रहा हूं, आपसे पूछने के लिए कि मेरे 5 साल आप मुसलसिल जद्दोजहद, मेरी लड़ाई ग्राउंड पे उतर करके SP ऑफिस के सामने, कमिश्नर ऑफिस के सामने 144 को वायलेट करते हुए, अड़ंग के वहां पर जा करके जो लोग इंतकाल कर गए थे उनकी मैयत में जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए हम लोग साथ में लेके जा रहे हैं, हिजाब के मामले में कर्नाटका में सबसे पहले आवाज़ उठा रहा हूँ, NRC के बारे में उठा रहा हूँ, कोविड के अंदर जो मामला रमज़ान के महीने में पुलिसों के जुल्म ज्यादती, 5,000 गाड़ियों को पकड़े, जब जो है एहतजाज कर रहा हूँ, केस फाइल कर ले रहा हूँ, ये तमाम मामला मेरे शिकस्त होने के बावजूद आपके लिए बात कर रहा हूँ, करना जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ, इंग्लिश के बड़े बड़े TV चैनल्स में, नेशनल मीडिया में भी RSS के खिलाफ, BJP के खिलाफ उनके जो एंकर थे उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूँ। ये मेरी काबिलियत नहीं बल्कि मेरे तड़प है, मुझसे काबिल बहुत हो सकते हैं, बहुत हैं, मगर सियासत में रहना और तड़प को लेकर के बेबाकी से आगे बढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज के इस नाजुक दौर में जब मुसलसिल तौर पर मिल्लत के खिलाफ आवाजें, सवालात उठ रहे हैं, एक तरफ आपने 5 साल पहले सीट तो बचा ली है, सीट बचाना जरूरी है, सीट बचाना जरूरी है बल्कि सीट बचा ली है, सीट बचाने वाले असेंबली के अंदर NRC के मामले, इन तमाम मामलात में कितने बार अपनी जबान को उन्होंने खोला, कितने बार अपनी आवाज को बुलंद किया, किन मामलात में उन्होंने बात किया, ये सवाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। पूछना चाहिए आप कि भाई हमने आपको वोट दिया मिल्लत की तहफ्फुज़ के लिए, आपने वोट दिया,
हमने बीजेपी को इक्तदार से रोकने के लिए आपको वोट दिया, इस वजह से वोट दिया कि आप बीजेपी के पॉलिसीज के खिलाफ लड़ेंगे। एक तरफ उनको जिनको जिताया है उन्होंने कभी भी वहां पर असेंबली में एक सवाल भी नहीं पूछा, किसी मामला पर मिली मामला पर सवाल नहीं पूछा है। एक तरफ मैं हारने के बावजूद मुसलसिल तौर पर आपकी आवाज बढ़कर गलियों में रोड पे ऐसे जांच कर रहा हूँ, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पे, डीसी ऑफिस पे, हर जगह मैं लड़ रहा हूँ। पूछने के लिए आया हूँ ऐसे नाजुक हालात में जो आगे और नाजुक हो सकते हैं। एनआरसी अभी रुका नहीं है, अभी समय है, कोविड की तरफ से रुका, आगे फिर लड़ाई बाकी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, जानते हैं सिविल कोड के अंदर कितने मामला ऐसे हैं जिसमें शरीयत में मुदाखलत हो सकती है। इसके ऊपर बहस होने की जरूरत है, असेंबली में बहस होगी, कर्णा में बहस होगी। ऐसे हालात में आप अगर मुझे मुनासिब समझते हैं कि आपका ये भाई आगे बढ़े, आपकी आवाज बने, अगर मुझे इजाजत है, वरना मेरी लड़ाई इतने साल की जो जद्दोजहद है ये बेमाने है। इसके लिए लड़ रहा हूं, अगर उनको एहसास नहीं है तो लड़ाई बेमाने। आपके लिए आवाज उठा रहा हूं, आप उसके लिए अरे भाई नासिर अच्छा है मगर कोर्ट हम वो पार्टी बोल रहे हैं, ये ना सिर्फ मेरे साथ नाइंसाफी नहीं मिल्लत के साथ भी नाइंसाफी हुई, क्योंकि एक ही सीट है जीतने वाली गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत है, एक ही सीट है। ऐसे सीट पर आप ऐसे आदमी को जिता के भेज रहे हैं जिसको करना नहीं आती, असेंबली में करना में बहस होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करेगा, जिसको करना नहीं आती वो बात कर सकेगा नहीं, बात करने का कुछ कोई मामला ही नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे हालात में हमको संजीदा तौर पर सोचना है, फिकर करना है। मिल्लत के बेहतर रहनुमाई की जिम्मेदारी मिल्लत की है, मुसलमानों की है। आप लोग जागिए, आप लोग फैसला कीजिए, दिल से कीजिए और हक का कीजिए। आप अगर नाम के वास्ते अगर कोई फैसला करते हैं, पार्टियों को देखकर अगर फैसला करते हैं, तो ये मिल्लत के साथ नाइंसाफी है। मैं जब तक हूं आपकी आवाज बन के रहूंगा, लड़ता रहूंगा। असेंबली में जिस तरीके से जहर बीजेपी के लीडर्स उगल रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दूंगा, ये मैं आपको वायदा करता हूं। मैं आपसे इजाजत लेने आया, मुझे बोलिए आप लोग साथ देंगे, दिल से साथ देंगे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इलेक्शन अभी टाइम नहीं आया, एक टोला निकलने वाला है, एक टोला निकलेगा, सिर्फ इलेक्शन के दरमियान निकलेगा। एनआरसी की लड़ाई में नहीं निकलते वो लोग, कोविड के अंदर जब पुलिस जुल्म करती जब नहीं निकलते, जब वो लोग अड़न के लोगों में गिरफ्तारी होती जब वो लोग नहीं निकलते, कभी भी वो लोग बाहर नहीं निकलने वाले। निकलते कब? इलेक्शन से पहले निकलते। क्या बोल के निकलते? भाई देखो नासिर को वोट डाले तो बीजेपी जीतती, कांग्रेस को वोट डाले तो कांग्रेस जीतती, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? जब कांग्रेस को डाले तो कांग्रेस जीतती, तो नासिर उस्ताद को डाले तो भी नासिर उस्ताद जीतता। बीजेपी के साथ मुसलसिल तौर पर जो लड़ रहा है उसका साथ देना है, ना कि इलेक्शन के दौरान आकर के सिर्फ 5 दिन पहले बीजेपी डर बताने वालों का साथ नहीं देना। ये वादा है आप लोगों का। एक और वादा कीजिए कि आप अपने घर में खवातीन को अभी से बोलेंगे, गलतफहमी में नहीं आना, औरत ठहरी हुई है बोल के उसमें डालेंगे, ये सिंपति का खामियाजा बहुत भुगत चुके हैं हम। उलमाए करम को मारा जा रहा है, पुलिस मार रही है और एक कंप्लेंट तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। जरूरत टूट गई, हिम्मत टूट गई मुसलमानों की, उनके रिश्तेदार मार खा रहे हैं, कंप्लेंट नहीं हो रहा है, पुलिस कमिश्नर मार रहा है, शर्ट निकाल करके प्रेस के सामने बोल रहे हैं। अगर एमएलए जिसको जिता के भेज रहे हैं अगर वो आवाज नहीं उठा सकता है तो आप हमारा क्या हाल होगा? रोड पे कारोबार करने वालों का क्या जरूरत बनेगी? मुसलमान ऐसा से कमतरी में आ रहा है, मुसलमान कमजोर बढ़ रहा है। कसम अल्लाह की हम मुसलमान कमजोर नहीं है, हम कमजोरी के साथ जीना नहीं पसंद करते। हम जो है जब तक जिंदा है फिर तान कर, फिर ऊंचा कर सीधा तान कर हम लोग जीना है। तो इसीलिए इस हालात को आप अपने घरों में भी आप लोग बताइए, इंशाल्लाह ताला सही फैसला होगा, इसकी उम्मीद करते हुए मैं आप लोग हम लोग और एक बार आपसे मैं दिल से जवाब दिल से दीजिए, आप लोग साथ देंगे। जज़ाकअल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया। हमारे भाई एक बात बोलना चाह रहे हैं, एक बात है सब, हम लोगों का मसला कैसा है सर? ऑटो नगर का मसला, आज तक भी हम लोग रोड पर हैं सर। हम मैं तो छोटे से बड़ा हो गया तो रोड पर ही छे। लास्ट टाइम एक मसला हुआ था सब, शौकत पे पार्टी वालों को PSI रोड पर काम करने के बाद आके मारा था, मारने के बाद ग्रामीण में जाके उनको ग्रामीण में भी मारे,
जब नासिर भाई को मैं फोन करा भैया ऐसा ऐसा मामला है, तो नासिर भाई बोले उसके पास जाने की जरूरत नहीं, आप एस पी के पास बड़े दवाखाने में एमएलसी कराए, फिर एस पी के पास जाके बैठे। एस पी खुद पूरे अपने मिताली रोड के तकरीबन लोग थे, एस पी खुद नासिर भाई करना क्या है मेरे को ये बोले, मेरे को करना क्या है, सर्दी बुखार कम है मैं कम कर, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करा था सर। तो आज तक भी 3 साल हुआ पी एस आई आया ना सर्कल आया हमारे मेहताली रोड के अंदर, क्योंकि हम लोग रोड पर काम कर रहे हैं। तो अपना सबसे बड़ा मसला है आटो नगर का सर, आज भी हम लोग रोड पर है। इतने साल हुए 15-20 साल से मैं कुछ जल्द में रोड पर है, बसों के लिए छोटा तालुका है लेकिन आटो नगर बना, आटो नगर है सब, इधर है वहाँ पर आटो नगर है सर, रायचूर यादगीर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्टों में और छोटे छोटे तालुकों में आटो नगर है, लेकिन गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर आटो नगर बन गया है, आटो नगर नहीं। बहुत सारे मसले अभी पेंडिंग हैं, इंशाल्लाह मैं जीत के आया तो इंशाल्लाह आटो नगर का काम भी आपको करके दूंगा। बहुत सारे इश्यूज हैं मस्जिद के बाहर, रखो सारी चीज़ें, वक्त ज़्यादा हो गया।